विधानसभा क्षेत्र हमीरपुर के विधायक आशीष शर्मा ने लगातार हो रही भारी बारिश के बाद विधानसभा क्षेत्र हमीरपुर में हुए नुकसान का जायजा लिया। विधायक आशीष शर्मा ने विभिन्न गांवों में जाकर नुकसान का जायजा लेने के साथ ही प्रभावित परिवारों को अपनी ओर से फौरी राहत भी दी। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को भी नुकसान का आकलन करने व पीड़ितों की हर संभव मदद के दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि आपदा की इस घड़ी में प्रदेश सरकार और वे स्वयं लोगों के साथ खड़े हैं। आपदा से निपटने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। पिछले करीब 3 दिनों से लगातार प्रदेश में भारी बारिश हो रही है, जैसे हम सब भलीभांति सारे देख ही रहे हैं, और बहुत ही बड़ी मात्रा में प्रदेश का नुकसान भी हो रहा है। कई जगह भूस्खलन हुए हैं, लैंडस्लाइड हो रहे हैं, रोड बंद हैं, कई घर गिर गए हैं, जो कौ शेड वगैरह है वो गिर गए हैं। तो आज हम भी अपने विधानसभा क्षेत्र में लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, जहाँ जहाँ नुकसान हुआ है उसका जायजा ले रहे हैं, और प्रशासन को जो भी प्रयास, जो भी रोड बंद हैं उनके भी निर्देश दिए गए कि जल्द से जल्द उन मशीनरी को यूटिलाइज करके उन रोडों को खोला जाए, और जो भी जहां पे किसी का कौ शेड गिरा है या घर गिरा है या कहीं डंगे गिर गए हैं तो वहां पे भी जाकर जो भी प्रशासन के अधिकारी हैं उनको दिशा निर्देश दिए गए हैं, ताकि उन जो भी जिनका नुकसान हुआ है उन परिवारों को मुआवजा मिले सरकार द्वारा, ताकि उनकी जो भी कार्रवाई है वो पूरी कार्रवाई की जाए प्रशासन के द्वारा, वो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। और आज स्वयं भी मैं पूरे विधानसभा क्षेत्र में जहाँ जहाँ भी पहुँच पाया हूँ, लोगों के बीच में गया हूँ, जहाँ जहाँ नुकसान हुए हैं, भारी कईयों के घर गिर गए हैं, कई लोग के कौ शेड गिरे हैं, रोड बंद हैं गाँव में, तो जहाँ भी जाने का मौका मिला है वहाँ पर जा रहे हैं, और लोगों के जो भी हालात है उनको देखते हुए हर संभव मदद का प्रयास भी कर रहे हैं और प्रशासन को भी दिशा निर्देश दे रहे हैं। इसके अलावा मैं ये भी बोलना चाहूँगा सभी को कि कृपा करके नदी नालों के नज़दीक भी ना जाएं, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा है। आज पिछले 2-3 दिन से लगातार बारिश चली हुई है, तो मेरी विनती है कि नदी नालों के करीब भी ना जाएं और अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें। विधायक ने कहा कि लोग अपना ध्यान रखें और घबराएं नहीं, प्रदेश सरकार, प्रशासन और वह खुद भी इस आपदा की घड़ी में लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। विधायक ने कहा कि कई सड़कें भूस्खलन के कारण आवाजाही के लिए बंद हो गई हैं। विभाग की मशीनरी के अलावा उन्होंने अपनी निजी मशीनरी भी सड़कों को सुचारू करने के लिए काम पर लगा दी है। वहीं विधायक ने मलबे की चपेट में आकर अपनी जान गंवाने वाले लोगों की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए हमीरपुर से अरविंदर सिंह की रिपोर्ट।